काम कर रहे हैं ना उसमें लाइटनिंग है। हम बोले हम लोग का कमरा बदल दीजिए, ये लोग बदले नहीं। पंखा एक लगा हुआ है उसमें दो, एक पंखा बिगड़ा हुआ है, एक पंखा चल रहा है, तो हम कहें पंखा बनवा दीजिए। तो साहब बोले हम एसी लगवा दें। नहीं, आपको ये बोलना चाहिए ना तो बाबू बनवा देंगे। कोरोना वायरस से संक्रमण से पूरा देश इस समय जूझ रहा है। हर रोज आ रहे नए नए मामलों ने सरकार और लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इस बीच क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासियों द्वारा हंगामा करने की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक खबर रोहतास जिले से सामने आई, जहां समय पर खाना नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए लोगों ने हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक रोहतास के बिक्रमगंज प्रखंड मुख्यालय पर बने पटेल कॉलेज क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों ने जमकर हंगामा किया। सेंटर में रह रहे लोगों ने स्थानीय अधिकारियों पर क्वारंटीन सेंटर पर कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया। लोगों ने कहा कि सेंटर में 30 लोगों को रखा गया है, शौचालयों में सफाई नहीं है, कमरों में लगे पंखे खराब हैं, जिस वजह से गर्मी में रहने में उन्हें काफी परेशानी हो रही है। लोगों ने कहा कि प्रशासन ने सेंटर तो बना दिया लेकिन उसमें कोई सुविधा नहीं दी। 10 बजे करीब खाना मिल जाता है लंच, उसके बाद फिर एक ही बार रात में मिलता है 9 बजे करीब, तो बस वही दो बार खाना खा पाता है आदमी। चाय मिलता है एक बार सुबह में, एक बार शाम में। लैट्रिन है, हम लोग बोल के थक गए, एक वीक से कोई सुन नहीं रहा है कि 22-23 लोग 30 लोग यूज कर रहा है, कम से कम उसको साफ करवा दिया कीजिए। वीडियो सर आए थे वो भी नहीं सुने, कल DM सर आए थे हम लोग उनसे भी बोले, तो बोले कि ठीक है करवाते हैं, फिर भी नहीं हुआ। और बहुत लोग हैं सर यहाँ पे जो एक एक सप्ताह 10-10 दिन स्कूल क्वारंटाइन हो के यहाँ पे आया है, तो यहाँ यही नहीं पता चल रहा है कि हम लोग छूटेंगे कब यहाँ से। कोई कह रहा है 15 दिन, कोई कह रहा है 21 दिन, और डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं बाबू हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जिला प्रशासन हम लोग का कुछ नहीं सुन रहा है। मेडिकल टीम आती है तो वो लोग कह रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, हम लोग जिनको छोड़ना भी चाहते हैं जिला प्रशासन उनको नहीं छोड़ रहा है, हम लोग का अभी तक कोई टेस्ट नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विभवेश है। कहाँ से आए थे? हम आए थे दानापुर गोला रोड से, हम TCS में काम करते हैं बेल्टॉन फॉर्म में। हम आए थे कि गेहूं कटाना था, तो सोचे कि वीकेंड में सैटरडे संडे आके काम करवा लेंगे। हम आए, कोई गांव से फोन कर दिया और हमको आज क्वारंटाइन। बता दें कि प्रवासियों को क्वारंटीन कराने के लिए सरकारी व्यवस्था पर हजारों रुपए खर्च हो रहे हैं, बावजूद इसके प्रवासियों के लिए सुविधाएं निर्धारित हैं। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक स्थानीय स्तर पर व्यवस्था नहीं दी गई है, जिससे वहां रह रहे श्रमिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब केसरी के लिए रोहतास से रंजन सिंह की रिपोर्ट।